बच्चों हम लोग क्लास नाइन्थ के पहले ही चैप्टर ग्रामर के सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस की शुरुआत हमने किया था। आज उसी कड़ी में जो हम जारी रख रहे थे दूसरा भाग असर्टिव सेंटेंस के पार्ट जो हिस्से हैं या प्रकार हैं वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, यहां तक हम लोगों का हुआ था। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, जब हम सीधे सीधे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस इस नियम को फॉलो करें तो वाक्य अफर्मेटिव होता है। सीधे सीधे हम करते हैं, किसी चीज को स्वीकार करते हैं, वह एक सकारात्मक मोड में होता है कि मुझे ये करना है, पढ़ना है, लिखना है, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं घूमता हूँ, ठीक है, मैं खेलता हूँ, इस तरह का वाक्य मैं करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, हम लोग स्वीकार करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, वो जनरली आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे सी लिव्स इन मुंबई, ठीक है, वी प्ले इन द फील्ड, इस तरह से जो सेंटेंस चलते हैं उसमें हम चीजों को स्वीकार करते हैं कि नहीं ऐसा होता है। अब इसका दूसरा भाग होता है नेगेटिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रायः हमको परीक्षा में याद रखिएगा, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है, नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि हम जब एडवर्ब ऑफ निगेशन एडवर्ब ऑफ निगेशन का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं तो वाक्य निगेटिव हो जाते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या है, नॉट, नो, नेवर, बहुत सारे नाइदर है, नाइदर नॉट से भी हमारा निगेटिव बनता है लेकिन वो सिंपल सेंटेंस में नहीं रहता। इसलिए हम चूंकि अन्य सेंटेंस जो है पांच जिसका हम पढ़ रहे हैं ये सिंपल सेंटेंस का ही एक स्ट्रक्चर में मूल वाक्य जो सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं तो इस सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पांचों वाक्य जो हम पढ़ेंगे वो आता है स्ट्रक्चर। तो जब हम किसी वाक्य को निगेटिव बनाते हैं तो हम नॉट का, नो का या नेवर का प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य निगेटिव हो जाता है। अब जब हम नॉट का, नो का, नेवर का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा अफर्मेटिव वाक्य जिस टेंस में रहेगा उस टेंस से संबंधित सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड, ठीक है, ये चीजें हम लाएंगे और कुछ में पहले से ही सहायक क्रियाएं रहती हैं जैसे विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, शुड, इज, आर, एम, वाज, वेयर, जैसे है भाई, एक कुछ में पहले से रहती है, कुछ को हमको टेंस के हिसाब से लाना होता है तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। जैसे हम कहें रवि, ठीक है, गोज टू प्ले, अब ये रवि गोज टू प्ले अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस किस वाक्य किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस जिसमें मुख्यतः सहायक क्रियाएं नहीं होती हैं तो अब हम क्या करते हैं, इसको निगेटिव बनाना है और निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या लिखना होता है क्रिया से पहले, नॉट। हमेशा याद रखिए क्रिया को निगेटिव की जाती है तो नॉट क्रिया से पहले आएगा लेकिन
नॉट का प्रयोग करने अर्थात निगेशन देने के लिए हमको कोई न कोई सहायक क्रिया चाहिए। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? डू, डज। अब रवि एक वचन में है और इसको नॉट में ले जाना है तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? रवि, और रवि के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? डज नॉट। इसी को हम पढ़ रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं और नॉट के पूर्ववर्ती के रूप में सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको डू या डज लाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड लाना पड़ेगा। तो रवि डज नॉट गो हो जाएगा, यह सब जाएगा, गो टू प्ले, यह हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सी डिड नॉट हेल्प मी, ये निगेशन हुआ। देयर इज नो, निगेशन हो गया। फ्लावर इन द गार्डन, निगेशन हो गया, यहां नो से निगेशन है। ठीक है, ही नेवर गोज टू टेम्पल। अब नेवर सबके अंतर को समझिए, नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट लगाना पड़ेगा। नो का प्रयोग मूलता ही जा रहा है, वो आज वेयर रहेगा वहां लगेगा, या हैव हैज के बाद लगेगा, आई हैव नो पेन, हैव हैज ऐसे चलेगा। और नेवर का प्रयोग जब इंडिफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो नेवर सीधे क्रिया से पहले लग जाता है, नेवर के साथ हमको डू डज डिड आदि लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि क्रिया में नहीं है तो बस जो भी क्रिया है उससे पहले नेवर का हम प्रयोग कर देंगे और हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से हम तीन चीजों का प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, नॉट का, नो का, नेवर का। और इन तीनों को हम बेटा एडवर्ब होते हैं, इनको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं, हम इसको निगेट करते हैं, हमको ये बनाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिफिनिट टेंस के प्रेजेंट या पास्ट इंडिफिनिट के संदर्भ में हम लिखते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे हैव के साथ आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है, सेंटेंस हो गया हमारे पास। ठीक है, उसी तरह से ही विल नॉट, अब विल है, विल सर में कैन रहेगा चीजें तो नॉट लगेगा, ही विल नॉट, ठीक है, कम हियर। तो हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे, कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे, ये वाक्य सब निगेटिव है, निगेटिव वाक्य। और एक आठ और देख लीजिए, Nobody comes to see me. Nobody, नेगेटिव हो गया, नो लगा इसके साथ। ठीक है, I ate nothing today. आज मैंने कुछ नहीं खाया, nothing, नो लगा है, वाक्य निगेटिव है बेटा, यह निगेटिव है। अब यहां आपको नोबडी नथिंग के साथ इज आर एम वाज वेयर विल सेल कैन डू डज आदि होने की आवश्यकता नहीं है, ये निगेटिव। तो इस तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस जो पहला है सेंटेंस यूज में,
आपका उसके दो हिस्से होंगे, पहला पॉजिटिव अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, जिसको हम पढ़ रहे हैं। अब अगला वाक्य हमारा है, वह क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह हमारा सेकेंड पार्ट है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी इसके क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में भी पढ़ते चलिए, प्रश्न वाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जिससे हम कोई प्रश्न पूछें और कोई और सामने वाला या कोई और उत्तर दे। अब हम किसी से कहीं मैं जा रहा हूं तो कोई हमसे नहीं उत्तर कोई नहीं देगा इसका, बल्कि प्रश्न पूछ सकता है, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो। तो जब इस तरह से हमसे प्रश्न पूछे जाए और हमको उसका उत्तर देना पड़े या किसी को उत्तर देना पड़े, हम प्रश्न पूछे और कोई उसका उत्तर दे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमको प्रश्न का उत्तर देना है। अब जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम सिंपल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। अर्थात वे प्रश्न, ये पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वे प्रश्न जिसका उत्तर हम हां या ना में दे दें, जिन प्रश्नों का उत्तर हम केवल हां या ना में दे दें और वो उत्तर पूर्ण माना जाएगा, उनको हम सिंपल क्वेश्चन या यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और बड़ा सहज रूप से, जैसे क्या तुमने खाना खाया, आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या तुमने खाना खाया, हाँ, हाँ का मतलब क्या हुआ, हाँ मैंने खाना खा लिया। खाना के संदर्भ में हाँ या ना कह रहे हैं हम, उत्तर हुआ नहीं मतलब नहीं खाया। तो वे प्रश्न जिनका हम सीधे उत्तर हाँ या ना में दे लेते हैं, जैसे डू यू गो टू टेम्पल डेली क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मंदिर रोज जाते हो, क्या तुम मंदिर रोज जाते हो। अब कोई थर्ड पर्सन हो कहे यस, ये भी उत्तर हो गया, नो ये भी उत्तर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन या यस या नो टाइप क्वेश्चन जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे दें, यस या नो में दे दें, दैट्स यस या नो टाइप क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। अब इसके स्ट्रक्चर को हमने, यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम अगर सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर्स लिखेंगे, और यहां अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। अगर वाक्य नकारात्मक है
तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नाम। प्रश्नवाचक वाक्य में याद रखिएगा हमेशा ये जो एडवर्ब ऑफ निगेटिव निगेशन होता है वह कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते हैं, नॉट नो नेवर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर्स लिखेंगे। अदर्स में जो पहले बता चुके हैं क्या होगा, या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। इस अदर्स में ऑब्जेक्ट के बाद क्यों कहां कैसे से जो हम प्रश्न पूछे उत्तर मिलेगा उसको हम लिख सकते हैं। तो यह हमारा सूत्र होता है, पहला यदि नॉट निगेटिव नहीं है वह तो सहायक क्रिया जिसको एवी, एवी का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, वर्ब को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, अदर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो यह हमारा प्रश्न होगा, अगर निगेटिव प्रश्न करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया को लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, नॉट को लिखेंगे, नो या नेवर को लिखेंगे, वर्ब को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, अदर्स को लिखेंगे। इस तरह से हमारा एक प्रश्न बनेगा और इस प्रश्न का एक एग्जांपल अगर आप लेके देख लीजिए, जैसे हम कहें विल यू राइट ए पोयम ऑब्जेक्ट। अब कोई चीज कर दे यहां टुमारो या टुडे जो भी कर दे, अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम आज एक कविता लिखोगे, आंसर होगा यस या नो, यही दो उत्तर होगा, उत्तर पूर्ण माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट है यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसको हम सिंपल क्वेश्चन कहते हैं, जिसकी शुरुआत सदैव सहायक क्रिया से होती है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऐसे हमारा वाक्य बनेगा।